क्यों जाने ना तू मेरा सुकून मुझ में तू देखो जारा, जो कुछ भी हुआ वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं हुआ। आई मीन दानियाल को कितनी एम्बैरेसमेंट फील हुई होगी ये सब देख के। तुम्हें पता है वो वजाहत वो दानियाल का कितना अच्छा दोस्त है। इस सारे एपिसोड के बाद वो क्या सोच रहा होगा कि दानियाल ने एक ऐसी लड़की से शादी किया है जिसे क्लास में उठने बैठने की तमीज नहीं है, जिसे कुछ हैंडल करना नहीं आता, इन आलीशान पार्टीज को, इस तरह के लोगों को वो किसी के साथ इंटरेक्ट ही नहीं कर सकती। मुझे इन सब चीजों से फर्क नहीं पड़ता अलीज़े, मुझे इससे फर्क पड़ता है कि दानियाल तो मुझे जानते हैं ना, उनको पता होना चाहिए कि इस तरह की गैदरिंग्स, इस तरह के लोग मुझे समझ नहीं आते, तो मुझे क्यों यहाँ पे लेके आए। जारा प्लीज रोना बंद करो, ये दानियाल की मजबूरी थी कि वो तुम्हें यहाँ लेके आया। तुम उसकी बीवी हो और ये गेट टुगेदर ये तुम दोनों के लिए दिया गया था। I feel really bad for Danyal. तुम्हें नहीं पता हमारे सर्कल में पता नहीं किस किस्म की बातें होंगी दानियाल को लेके, इसलिए प्लीज अब तुम थोड़ा अपना हुलिया बेहतर करो, ठीक हो जाओ, इधर आओ, थोड़ी सी प्लीज फ्रेश हो जाओ, अपने आंसू साफ करो, इधर देखो मेरी तरफ, एंड प्लीज फेस दिस सिचुएशन लाइक अ गुड कॉन्फिडेंट गर्ल। और हो सके तो वजाहत से जाके अपोलोजाइज करो। तुम्हें नहीं पता ये जो क्लास के लोग होते हैं ये अपनी छोटी छोटी बातों को, बेइज्जती को दिल में जो है महसूस करते रहते हैं और फिर बहुत बुरी तरह बिहेव करते हैं, अपने लिए ना सही, प्लीज आई रिक्वेस्ट यू, दानियाल के लिए सही, दानियाल का सोचो। ये अपने आंसू वगैरह साफ करके बाहर आओ, अब बैठे
और तुमने ये खत एक ही मकसद के लिए इस्तेमाल नहीं करना, बल्कि बार बार ज़ारा को कॉल करके ये यकीन दिलाना है कि तुम उसे याद कर रहे हो, बहुत मिस कर रहे हो, एंड आई एम श्योर वो भी तुम्हें कर रही होगी। मैं समझ गया उलझ, मुझे बार बार मत समझा। गुड, तो फिर ये काम जल्द से जल्द हो जाना चाहिए, ठीक है? और मेरा काम? मैंने तुम्हें कहा ना, तुम्हारे अकाउंट में पैसे ट्रांसफर हो जाएंगे। पहले आधी रकम जमा करवा दें, आधी रकम काम होने के बाद करवा देना। कल सुबह तुम्हारे अकाउंट में पैसे ट्रांसफर हो जाएंगे, खुश? थैंक्स। ब्लडी टफर, एक बार काम हो जाए फिर से इसकी औकात याद दिलाऊंगी, बहुत ओवर हो रहा है ना। दानियल, आपकी ग्रीन टी लेकर आऊं? आप नाराज हैं मुझसे? नहीं, नाराज नहीं हूं, पर आज जो हुआ उससे कुछ खास खुश भी नहीं हूं। दानियल, मैं उस सारे माहौल की आदी नहीं हूं। गैर मर्दों का सारा बेतकल्लुफ होना मुझे पसंद नहीं है। लेकिन हम लोग जहां गए थे ना, वहां सिर्फ दोस्त है, मेरे दोस्त है, सालों से जानता हूं, सालों से हैंग आउट कर रहा हूं उनके साथ। वो थोड़ी ज्यादा फ्रैंक जरूर हो सकते हैं, पर ऐसा नहीं है कि उनकी नीयत साफ ना हो। और वजाहत को हम सब बचपन से जानते हैं, वो ऐसा ही है, थोड़ा ज्यादा ओवर हो जाता है, पर भाभी से पहली बार मिल रहा था उसके लिए ना नॉर्मल है। लेकिन मेरे लिए सब कुछ नॉर्मल नहीं है, किस तरह समझाऊं आपको? गॉड से यार, ऐसे क्यों बात कर रही हो जैसे कोई गांव घोट से आई हो तुम? और उससे नहीं भी मिलना था तो उसको मना कर सकते थे ना, क्यों धक्का देने की क्या जरूरत थी? पहली बार तुम्हें लेके बाहर गया मैं, पहली बार दोस्तों में, तुम्हें अपने आप अकल नहीं है क्या पहन के जाना चाहिए? वो बाजार जो सब तुम्हारी तारीफ कर रहे थे ना, उनके दिल में दिमाग में क्या चल रहा था अच्छे से समझ रहा हूं मैं। सब तंज मार रहे थे, ऊपर से अलीजा ने भी ताना दे दिया। सॉरी अगर आपको मेरी वजह से इतनी शर्मिंदगी उठानी पड़ी है। हाँ जारा, मुझे तुम्हारी वजह से बहुत शर्मिंदगी उठानी पड़ी है, और इस बात का तुम्हें एहसास होना चाहिए। सबब आंसुओं का किसे हम बताएं, किसे बेबसी की कहानी सुनाए। सबब आंसुओं का किसे हम बताए, किसे बेबसी की कहानी सुनाए। उन्हें तो हमारी खबर ही नहीं है, जिनके लिए मोहब्बत वफाए। क्यों जाने ना तू, तू मेरा सुकून है, मुझ में तू है, मुझ में तू। तेरा झूठा मोटा गुस्सा मुझे लगता था सच्चा हर ओर। अलीजे ने भी ताना दे दिया कि क्लास डिफरेंस इसे कहते हैं। धड़कन में बसाया तू हो ना सका मेरा।
देख नदीम बेटा, ये जो बहलनुमा घर है इसके अखराजात अब हमारे बस से तो बाहर है। ऐसा करते हैं कि कोई छोटा मोटा किराए का घर ले लेते हैं, उसका किराया कम होगा, कम से कम बाकी जो अखराजात है उनसे जान छूट जाएगी। है नदीम, इस घर को ना छोड़ने का सोच के ही मेरा दिल डूबा जा रहा है, लेकिन क्या करें, अभी 4 दिन की खुशी मिली है, फिर वही दुखों भरी चकचक वाली पुरानी जिंदगी। अरे सारे ख्वाब चिकनाचूर हो गए। अम्मा ये रोना धोना, अपनी किस्मत को कोसना तो बंद करो। वाह नदीम वाह, भाई तू तो कहता है कि किसी को तकलीफ हो तो वो रोए भी ना। अम्मा क्योंकि रातों रात हमारी बदकिस्मती खुशकिस्मती में बदल चुकी है, अब हमें ना ही ये घर छोड़ना पड़ेगा और ना ही यहाँ के ऐशो आराम। क्या मतलब है, तू मजाक कर रहे या हमारे जख्मों पे नमक छिड़क के तुझे कोई खुशी मिल रही है, है? क्या? अरे मेरी प्यारी अम्मा, तेरी कसम, एक बहुत बड़ी लॉटरी निकली है, लाखों की लॉटरी। देखो जारा, मैं तुम्हें ये तो नहीं कहूंगी कि तुम खुद को बदलो, लेकिन तुम ये तो कर सकती हो ना कि जो शख्स चाहता है कि तुम दूसरी औरतों की तरह बन जाओ, तुम उस शख्स को बदल दो। मुझे भी ऐसा ही लगता था कि मैं इस मकाम पे आ चुकी हूँ कि दानियाल से मैं अपनी हर बात मनवा सकती हूँ, लेकिन कल ही मुझे अपनी हैसियत का अंदाजा हो गया। देखो बेटा, दानियाल खुद इतना बिगड़ा हुआ नहीं है, लेकिन उसकी सोहबत में कुछ लड़के हैं इस तरह जो कि मैं कहूँ कि हाँ वाकई बिगड़े हुए हैं, लेकिन अब इसका हल क्या है बताओ तो। लेकिन हाँ, मेरी बात समझने की कोशिश करें, मेरे वालदेन ने मेरी ऐसी तरबियत नहीं की कि मैं गैर मर्दों से इतनी जल्दी बेतकल्लुफ हो जाऊं। मैं दानियाल के साथ ऐसे गेट टूगेदर्स में नहीं जा सकती, और अगर मैं चली गई मैं हैंडल नहीं कर सकूंगी। बेटा इस तरह तो मामला बिगड़ जाएंगे। मुझे भी तो नहीं समझ में आ रहा कि मैं क्या करूं। शूज निकाल दूं? शूज कौन से पहनेंगे आज? जो पहनने थे पहन लिए। ओके, आई एम सॉरी। नाश्ता लगा दिया मैंने, तो कर लें आके। तुमने जारा को फोन किया था? रात में किया था, मगर उसने अटेंड नहीं किया। अच्छा मेरी बात गौर से सुनो, मैं तुम्हें दानियाल की सारी रूटीन बताने जा रही हूँ। वो कब सोता है, कब उठता है, ऑफिस कब जाता है, तुमने सिर्फ उन्हीं टाइमिंग्स में कॉल करनी है। और जहाँ तक रह गई मैसेजेस की बात, तो एक आध दिन में कभी। समझ रहे हो ना तुम मेरी सारी प्लानिंग? समझ गया। अच्छा और वो अपना अकाउंट भी चेक कर लेना, आई एम श्योर पेमेंट आ गई। हाँ देख लिया था मैंने, चेक कर लिया, आ गई है। थैंक यू। ओके बाय। अस्सलाम वालेकुम आंटी, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम अलीज़े, कैसी है बेटा? मैं ठीक हूँ बिल्कुल, बल्कि मैं आज तो ऑफिस में हूँ। व्हाट? आपको तो रेस्ट करना चाहिए ना आंटी, आपकी तबीयत अभी ठीक नहीं हुई। भाई बहुत रेस्ट कर लिया, एक हफ्ता रेस्ट कर लिया, अब घर में बैठे बोर हो रही थी। अच्छा चले मैं आपसे ऑफिस मिलने आती हूँ। नहीं नहीं इट्स ओके, डोंट वरी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आंटी आप मुझे ऑफिस आने से मना कर रही हैं? मैं क्यों मना करूँगी,
लेकिन I'm fine, really. तो बस फिर मैं आपको मिलने आ रही हूँ. All right, see, bye. हेलो आंटी की तबीयत कैसी है ज़ारा? मैं उनसे बात करना चाह रही हूँ. नहीं आंटी घर पे नहीं है, वो ऑफिस गई हुई है. अच्छा ऑफिस गई है, तो फिर मैं भी ऑफिस ही चली जाती हूँ. इसी बहाने दानिया से भी गपशप लग जाएगी और रात को पार्टी के बारे में भी डिस्कस कर लूँगी. ओके बाय, थैंक्स. ये तुम्हें खाने पीने के अलावा और कोई काम नहीं है क्या? ज़बान का चस्का ना तुम्हारी अक्ल को भी खा गया. तुझे किस बात की तकलीफ है हाँ? जब देखो घर चबाती रहती है. इस घर में ना किसी को मेरी तकलीफ का पता नहीं है. हर कोई अपने मुफाद के लिए काम करता रहता है. एक बंदा क्या फोन कर रहा है, मेरी दुनिया ही बर्बाद हो गई है. दफा हो जाओ यहाँ से. अम्मा क्या तमाशा लगा रखा है इसने? दिमाग खराब हो गया इसका जब से इसका रिश्ता खत्म हुआ है. नदीम बेटा मेरी बात मान, इसके लिए कोई अच्छा सा रिश्ता देखता. अम्मा आप अपने खानदान में दोनों बेटियों को रिश्ता करने की सोचो. कौन है हमारे खानदान में जिससे मैं शादी करूंगी? तुम नजरें नीचे करोगी तो बहुत सारे लोग नजर आएंगे तुम्हें. आप लोग मेरे किसी ठेला लगाने वाले या चने दाल की रेड़ी लगाने वाले या फिर कारखाने में अपना हाथ मुंह काला करवाने वाले खानदानी से शादी नहीं करूंगी. एक कमबख्त समझ में नहीं आई अभी तक तुझे है? ये जो ऊंचे लोग हैं ना पैसे वाले मॉडर्न, इनसे रिश्ता जोड़ के मिला क्या तुझे? क्या मिला सिवाय परेशानी धोखे और फ्रॉड के? सारी दुनिया एक जैसी नहीं होती है. ये अमीरों की सारी दुनिया एक जैसी ही धोखेबाज होती है. ये अमीर हमसे रिश्तेदारी या ताल्लुक सिर्फ अपनी गर्ज से जोड़ता है. अच्छा तो फिर वो अमीर जादी अलीजे उसे क्या गर्ज है आपसे? हाँ अरे वो किसी को 5 रुपए बिना मतलब ना दे, तुम्हें क्या पता? ये सब पैसा मालो दौलत ऐशो आराम कहाँ से आ रहा है? बहुत भारी कीमत चुका रहा हूँ मैं सबकी. बस अम्मा बहुत हो गया तमाशा. वो खाला नसीबों का बेटा था, क्या नाम था उसका? फीका. फीका हाँ, बस आप उसे अब हाँ कर दो. फिक्का? अम्मा मैं किसी फिक्के फिक्के से शादी नहीं करूंगी. और अगर किसी ने मेरे साथ जबरदस्ती की ना तो मैं जहर खा लूंगी. ये जो नदीम है ना इसे तो मैं बोझ लगती हूँ. खुद को तो अमीरजादी अलीजे मिल गई है, मुझे बोझ समझ के उतारना चाहता है इस घर से बाहर. सबर कर तुझे बताऊँ जबान को लगाम दे. तू अपनी इस बकवास को बंद कर, इधर आ मैं तुझे बताऊँ अच्छी तरीके से. चुप कर इधर आ. ये जो तुझे मिल रहे ना अभी है शुक्र कर, ये भी नहीं मिलेगा बाद में. नहीं चाहिए मुझे जो मिल रहा है. मैं किसी पिक्के शिक्के से शादी नहीं करूंगी. जाती है या तुझे बताऊं? कौन रोकता है मुझे? भाभी आप कहीं जा रही हैं क्या? मैं बस अभी आती हूँ.
हेलो जारा, मैं नदीम बात कर रहा हूँ। तुमने मुझे फिर फोन किया? मैं सुनो प्लीज, फोन मत बंद मत करना प्लीज। मुझे तुम्हें एक बहुत जरूरी इत्तला देनी है। तुम्हारा शौहर इस वक्त भी अलीजे के साथ घूम रहा है। मैं तुम्हें एक बात बता दूं नदीम, कि तुम मुझे मेरे शौहर के खिलाफ नहीं कर सकते और आइंदा मुझे फोन करने की कोशिश भी नहीं करना। जारा क्या हुआ? मैं जानता हूं कि तुमने जान पूछ कर ड्राइवर को मना कर दिया ताकि मैं तुम्हें पिक कर लूं। 100% राइट। ये सब करके क्या हासिल करना चाहती हो तुम? दानियाल, भूल रही हो कि उसे अपने हाथों से खुद खो चुकी हो तुम। मैं अपनी गलती मानती हूँ दानियाल। मैं जानती हूँ कि मैंने खुद तुम्हें अपने हाथों से जारा के हवाले किया, लेकिन इन सब चीजों का नुकसान भी तो मैंने तुम्हारी मोहब्बत की वजह से उठाया ना। क्या मतलब? मतलब ये कि जब तुमने मुझे बताया कि तुम्हारी मॉम के दिमाग में फर्स्ट चॉइस सारा है, मैं नहीं, तो ऑब्वियसली मैं हर्ट हुई दानियाल। कोई भी मेरी जगह होता तो हर्ट होता ना। मैं तो ये सोच भी नहीं सकती थी कि कोई जारा को मुझ पे प्रेफर करेगा। अभी आंटी जारा की इतनी तारीफ है, मेरी हर वक्त बुराइयां करती थी, और फिर मैंने रियलाइज किया कि तुम भी मुझे ही गलत कहते थे। मुझे लगा कि मैं तुम्हें कभी खुश नहीं रख सकूंगी। आंटी तो जारा की फेवर में थी, इसलिए मैंने अपनी जिंदगी में इतना बड़ा स्टेप उठाया, अपनी मोहब्बत को कुर्बान किया ताकि तुम खुश रह सको। और वो और नदीम? वो नदीम और जारा सिर्फ और सिर्फ एक दूसरे से मोहब्बत करते थे। तो फिर तुमने उन्हें अलग क्यों किया? क्योंकि मैं तुम्हारी मोहब्बत में पागल हो गई थी, मुझे और कुछ नजर नहीं आ रहा था। मुझे लगा मैं खुश नहीं रख सकती तो शायद वो जारा तुम्हें खुश रख सके, इसलिए मैंने उस नदीम को जारा की जिंदगी से निकाल दिया और फिर खुद तुम्हारे रास्ते से निकल गई। मगर मगर क्या? अगर अफसोस, मेरी सारी कुर्बानियां सारी कोशिशें बेकार गईं, क्योंकि तुम खुश नहीं हो। तुम उस सहारा के साथ अपने आप को कभी एडजस्ट ही नहीं कर पाए दानियाल। ये तुम्हारी गलत फहमी है। ये गलत फहमी कहो या खुश फहमी, पर वो जारा अब भी नदीम से प्यार करती है दानियाल, और उसे भूल भी कैसे सकती है? वो दोनों एक दूसरे को चाहते थे, इसलिए उन्होंने मंगनी भी की, ठीक उसी तरह जिस तरह हम दोनों ने अपनी लाइफ में इतना कुछ प्लान किया। क्या हम अपना गुजरा हुआ कल भुला सकेंगे? टीपू, जारा कहाँ है? मेरा फोन नहीं उठा रहे। भाभी को गए तो एक घंटा हो गया बाजी। अच्छा, यूं करो कि जब वो आए तो मुझे इत्तला कर देना, ठीक है? जी बेहतर बाजी। हाँ, ताकि मैं उससे बात कर लूँ। ओके, थैंक यू, खुदा हाफिज। मैं बहुत बेवकूफ हूँ दानियाल। मैं जानती हूँ कि मैंने बहुत गलतियाँ की, लेकिन मेरा मकसद है तुमने जो कुछ भी किया ना अलीज़े, बहुत गलत किया। तुम्हारी वजह से ही हम दोनों आज। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा दानियाल, अगर हम कोशिश करेंगे तो हम इस सिचुएशन से निकल सकते हैं। नामुमकिन नहीं है। कुछ भी नामुमकिन नहीं, मेरी जिंदगी में तो नामुमकिन का लफ्ज है ही नहीं। बस 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 बस, बस यही रोक दो, यही रोक दो। यही उतरेंगे आप? जी।
पक्की बात है ना, आप यहीं उतरेंगी ना? हाँ पक्की बात है। और इस बात का मतलब क्या है? अरे गुस्सा क्यों हो रही हैं आप? कहाँ से चलनी थी, कहाँ जाना था, कहाँ आ गए? बस इसी वजह से पूछा कि यहाँ से तो और कहीं नहीं जाना। शट अप। कितना बिल बना है? आप 2000 रुपए देते? 2000? इतना बिल कैसे बन गया? मुझे माइलेज दिखाओ, मुश्किल से 500 भी नहीं बनते हैं। ओ मैडम, 4-5 घंटे से यहाँ वहाँ घूम रहा हूँ आपके साथ। गाड़ी पानी पे नहीं, पेट्रोल पे चलती है। 1000 रुपए दे रही हूँ, ये लो। 500 तो और देती जाए। ये लो, और यहाँ से अब चलते बनो। अरे तुम यार टैक्सी में क्यों आई हो? क्योंकि आप घर पे नहीं थे और वो किराया बहुत ज्यादा मांग रहा था। मैंने कहा कि मेरे शौहर आ गए, तो कहने लगा कि शौहर आपके हैं और बैठे किसी और औरत के साथ। तो तुम बता सकती थी ना कि कोई और औरत पर आई नहीं है। तुम आंटी से मिल लो, उनसे मिलने आई हो ना। मैं चलता हूँ, मुझे देर हो रही है। आप आंटी से नहीं मिलेंगे? नहीं, वो दरअसल इसने मुझे बोला कि इसको ड्रॉप करना है, जरूरी है, तो मैं चला आया। मीटिंग है, देर हो रही है, मैं बाद में मिल लूंगा। तो फिर ठीक है ना, आप मुझे भी ड्रॉप कर दें। आप तो मिलोगी नहीं आंटी से? मैं शाम में मिलूंगी आंटी से, तब जमाल अंकल भी घर पे होंगे। दानियाल, आई थिंक तुम्हें ऑफिस के लिए देर हो रही है ना। ड्राइवर से कह के मैं जारा को ड्रॉप करा दूंगी, नो प्रॉब्लम, तुम जाओ। यू श्योर? कोर्स, पक्का? हां, मैं चलता हूं, वाकई देर हो रही है। राइट, सी यू गाइस, बाय। चलिए कहाँ रह गए थे, बहुत देर से आए? जी वो जोहेब आया हुआ है ना, तो ऑफिस आ गया था। अच्छा, कहा लंच पे चलते हैं, तो मैंने कहा चलो। तो ज़ारा गई हुई थी शाहजी की तरफ, उसे भी ले आते। टीपू जी, बाजी कैब वाले को पैसे पे कर दीजिए। जी अभी करता हूँ। तुम टैक्सी में क्यों आई हो? तो और कैसे आती? अरे लीजे ने कहा तो था ड्राइवर ड्रॉप कर देगा, फिर क्यों आना पड़ा ऐसा? ड्राइवर शहर से बाहर गया हुआ था, इसलिए मुझे कैब में आना पड़ा। तुम दानियाल को फोन कर देती? आंटी मैंने डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी, पहले अलीजे को ड्रॉप किया, और अगर मुझे ड्रॉप करने चले जाते तो फिर ऑफिस के सारे जरूरी काम रह जाते। अभी क्या करने की कोशिश कर रही थी? क्या साबित करना चाह रही थी कि तुम बहुत अच्छी बीवी हो और मैं बहुत बुरा शौहर हूं? हाँ, क्योंकि आप बुरे शौहर हैं। आपको अपनी बीवी से ज्यादा अपनी पुरानी मंगेतर का ख्याल है। अगर इस वजह से मैं एक बुरा शौहर हूं तो तुम भी कोई अच्छी बीवी नहीं हो, तुम भी एक बुरी बीवी हो, क्योंकि तुम भी अभी तक अपने उस पुराने मंगेतर से रابطे में हो। इतना घटिया इल्जाम लगा रहे हैं आप मुझ पे, कितनी गिरी हुई बात कर रहे हैं। कोई गिरी हुई बात नहीं कर रहा मैं। क्या हुआ, गुस्सा आ रहा है? फैक्ट को फेस करने की हिम्मत नहीं है? फैक्ट आप जानते ही नहीं है कि क्या है। जानता हूं, सब पता है मुझे। तुम्हारे सामने कह दिया ना तो भड़क जाओगी। बताएं बताएं क्या जानते हैं। ला फोन दो। फोन क्यों दूं मैं अपना? देखा, डर लग रहा है ना? मुझे डर नहीं लग रहा है। नहीं, तुम्हें डर लग रहा है क्योंकि तुम जानती हो तुम्हारी चोरी पकड़ी जाएगी। मेरी कौन सी चोरी पकड़ी जाएगी? देखो मुझे पता है, पता है कि तुम अभी भी उस नदीम के साथ रابطे में हो। तो आप ये घटिया इल्जाम लगा रहे हैं मुझ पर? नहीं, कोई इल्जाम नहीं लगा रहा, यकीन है मुझे, पता है। जानता हूं मैं कि तुम लोग सिर्फ मैसेजेस पर ही बात नहीं करते, बल्कि कॉल्स पर भी रابطे में हो। हाँ,
के लिए जाहिलों की तरह एक दूसरे को ताने देना बंद करो। मुझे अफसोस होता है तुम्हें यूं देख के। ये आपकी लाडली बहू जो बार बार मुझ पे इस बात का इल्जाम लगाती है कि मैं शक करता हूँ इस पे, ये खुद ना दरअसल। बस करो बेटा, बस करो, अल्फाज का इस्तेमाल एहतियात से करो। तुम रहने तो मैं खुद इससे बात करती हूँ। बेटा बेटा जरा बता दे, तुम्हारा उस नदीम से कोई रिश्ता, कोई राबता है? नदीम मुझे फोन करता है लेकिन मैं उसका फोन रिसीव नहीं करती। वो झूठ, और झूठ बोलते हुए तुम्हें तो शर्म भी नहीं आती है। और यार चाजी आंटी के घर भी ऐसे ही नहीं आ गई थी, वो नदीम ने कहा था इसको। हाँ ठीक है, नदीम ने किया था मुझे टेक्स्ट कि ये और अलीजे अभी भी रابطے में है। हाँ उसने तुम्हें कहा और तुमने मान लिया, उसकी बात को तो कहेगा ना, और तुम्हें तो मानना ही है ना। हाँ तो मैंने बातों पे यकीन नहीं किया है, मैंने अपनी आंखों से देखा है। बेटा बेटा जरा देखो, जो चीज इंसान आंखों से देखता है जरूरी नहीं कि वो सच हो। मैंने हकीकत को वहम नहीं माना है आंटी, और आज सुबह ही देखा है मैंने इन दोनों को। शराब, दिमाग खराब है तुम्हारा, इसका दिमाग खराब है। वो नदीम ने किया मैं जानता हूँ। ये मेरे दोस्तों के सामने जब होती है तब तो बहुत शर्म हो यहाँ का पर्दा आ जाता है आंखों के सामने। पूरी पूरी रात जब उस नदीम से बात कर दिया तो शर्म नहीं आती तुम्हें? मुझे अपने ऐसा नहीं समझे, मेरे नदीम के दरमियान ऐसा कोई ताल्लुक नहीं जो आपने अलीजे के दरमियान है। खामोश हो जाओ, बस चुप करो। नहीं नहीं नहीं, बोलने दे, मैं भी आज देखना चाहता हूँ इसके दिमाग में कितना जहर भरा है उस नदीम ने मेरे खिलाफ। बोलो ना, आप चुप क्यों हो गई, फिर मुंह करके खड़ी हो गई। बस खामोश हो जाओ, इसे बोलने दे। बात को मत बढ़ाओ बेटा, और बिगड़ जाएगा मामला। मेरी बात सुनो, अभी ना इस झगड़े में कुछ पढ़ने लायक है नहीं, ठीक है? इसे समझाइए आप, बल्कि इससे पूछिए। और तुम्हें रहना है मेरे साथ, क्योंकि अगर रहना है ना तो तुम्हें बदलना होगा। ये ताने, ये सब बकवास के बंद करना होगा। इसे मेरे जैसा बनना पड़ेगा, अलीजे जैसा बनना पड़ेगा इसे। मैं अलीजे नहीं हूं, और ना ही मैं अलीजे बनना चाहती हूं। अगर वो इतनी पसंद थी तो उसी से शादी करनी चाहिए थी। सही कह रही हो तुम, कर लेनी चाहिए थी, क्योंकि शायद कर नहीं होती ना तो अपने घर में यूं खड़ा मैं ठीक नहीं रहा होता। सुनो सुनो, या अभी तक अलीजे को भुला नहीं पाए। हमें नहीं भुला पाया, तुम्हें क्या करना है? दानियाल खामोश हो जाओ बेटा, बस 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 बंद करो ये सब झगड़ा, रहने दो बस। काम डाउन, मैंने फैसला कर लिया है, मुझे समझ आ गया है, मुझे ये रिश्ता नहीं चाहिए, इसको बोले ये जाए यहां से। दानियाल तुम गुस्से में, बेटा गुस्से में, अभी काम डाउन। मैंने आपसे कह दिया ना, खत्म तो खत्म। कैसी बातें कर रहे हो, पागल हो गए? जरा जरा मेरी बात सुनो। जाने दे जाने दे, अलीजे दो बार शानू आई है बुलाने के लिए, क्या बात है? किसी का इंतजार कर रही हो? हाँ। किसका इंतजार कर रही हो? खुशखबरी का। खुशखबरी? कैसी खुशखबरी और कहाँ से आ रही है? खुशखबरी कहाँ से आ रही है ये तो मैं आपको नहीं बता सकती, लेकिन जब आएगी तो आपको जरूर पता चल जाएगा। क्यों पहेलियां बुझवा रही हो, साफ साफ बता दो। वो जारा बीबी आई है। आ गई खुशखबरी माँ। जारा तुमने मुझे हमेशा अपना दुश्मन और गैर समझा, मैंने आज तक तुम पे जितने भी एहसान किए कभी जताए नहीं तुम्हें, लेकिन तुम इस कदर एहसान फरामोश निकलोगी ये मैं सोच भी नहीं सकती थी। अपने घर अपने मियाँ को तुम खुद तो संभाल नहीं सकी और मुझ पे इल्जाम लगा। ये इल्जाम नहीं है, मुझे दानियाल ने खुद बताया। तुम्हें शर्म नहीं आई? तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई कि मेरी बच्ची पे इस तरह का इल्जाम लगाओ? क्या सबूत है तुम्हारे पास कि दानियाल ने अलीजे की वजह से तुम्हें घर से निकाला? बताओ चाचा जान को, बताओ सही बात क्या है वो बताओ ना। मैं बता रही हूँ कि असल बात क्या है। हाँ हाँ, क्या है असल बात? नदीम, क्यों जाने ना तू